बिहार में दिमागी बुखार ने कहर बरपा रखा है। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 15 दिन के अंदर 80 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ चुके हैं। इस बीमारी का प्रकोप उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी और वैशाली जिले में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और डॉक्टरों को इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। बिहार में लू का भी कहर जारी है। गया में लू से मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी है। रविवार को बिहार पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी लोगों को धूप में घर से ना निकलने की नसीहत दी। दुर्भाग्य से बड़े दुख की बात है, मैं इस बात की बड़ी तकलीफ में हूँ। हीट स्ट्रोक के कारण प्राण चले गए हैं। तो लोगों को यही एडवाइस है कि भाई, और खासकर जो ये जो हीट स्ट्रोक है, या तो एक्सट्रीम ऑफ एज होता है, या तो बहुत छोटे को प्रभावित करेगा या बहुत बड़े को प्रभावित करेगा, भाई उम्र के लोग उनको बाहर जो है थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं अभी जब तक की मौसम थोड़ा ज्यादा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुजफ्फरपुर के अस्पताल का भी जायजा लिया। दिमागी बुखार से जूझ रहे बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। बिहार में दिमागी बुखार और लू दोनों ने कहर बरपा रखा है। हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। अभी तक सरकारी अमले की सारी कोशिशें नाकाफी नजर आ रही हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।